गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस को दूसरों को शेयर कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। अगर आप इस तरीकों को जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं वीडियो में जरूर लास्ट तक रुके। ए टू जेड यहाँ पर आपको तरीका बताने वाला हूँ, जो जो भी तरीका होता है वह पूरा इस वीडियो में कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो गाइस चलिए इसके लिए सबसे पहले इसकी रिकॉर्डिंग को ऑन करता हूँ जिससे आप लाइव टू लाइव अच्छे तरीके से सीख सके। तो यहाँ पर देखिए आपके बगल में इसकी रिकॉर्डिंग ऑन हो रही है और आपके बगल में इसकी रिकॉर्डिंग ऑन हो चुकी है। यहाँ पर आप सीखिएगा कैसे आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस को दूसरों को शेयर कर सकते हैं। काफी बार ऐसा होता है गाइस कि आप व्हाट्सएप स्टेटस को लगा देते हैं गैलरी से और स्टेटस को अपलोड होने तक इंतजार करते हैं, जैसे अपलोड होता है उसके बाद गैलरी से अपनी फोटो वीडियो को डिलीट कर देते हैं। वैसे में जो भी आपका व्यूअर होता है वो आपसे स्टेटस को मांगता है तो आपकी गैलरी में नहीं होता है स्टेटस तो आप दे नहीं पाते। तो आज मैं आपको तरीका यही बताऊंगा कैसे आप अपने स्टेटस को ही डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, प्ले स्टोर से जाकर व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है, व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद गाइस आपको व्हाट्सएप एप्लीकेशन को ओपन करना है। आपका कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है व्हाट्सएप का। उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, यहाँ पर अपने स्टेटस को लगा देना है, जो भी स्टेटस को आप लगाना चाहें, बहुत सारी फोटो रहती है आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर व्हाट्सएप स्टेटस को लगा देना है। स्टेटस को लगाने के बाद गाइस यहाँ पर आपका व्हाट्सएप स्टेटस दिखना शुरू हो जाएगा, जो भी रहेगा आपका स्टेटस दिखता रहेगा। अब इसी स्टेटस में मैं एक स्टेटस को कैसे भेजूंगा, अब यहाँ पर तो डायरेक्टली यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो कोई भी स्टेटस हमको भेजने का तरीका नहीं दिख रहा है। लेकिन गाइस इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर साइड बार में देखेंगे थ्री पॉइंट्स दिए गए, वहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हर स्टेटस का पर नोटिफिकेशन देखना आप चाह लेंगे। यहाँ पर देखिए आपको पूरा नोटिफिकेशन दिख रहा है, जितने भी स्टेटस आप लगाए होंगे पूरा यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर जो भी आपको भेजना हो, जो भी स्टेटस से फोटो वीडियो भेजना हो, वहां पर साइड बार में आपको थ्री पॉइंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। फॉरवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, शेयर का ऑप्शन दिया गया है, शेयर टू फेसबुक, डिलीट का भी ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर फॉरवर्ड पर क्लिक कर दीजिए। फॉरवर्ड पर क्लिक करने के बाद आप दूसरों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, या शेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर शेयर भी कर सकते हैं। तो आप गए शेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन का भी ऑप्शन दिया जाएगा। फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली आप व्हाट्सएप में ही उसको फॉरवर्ड कर पाएंगे दूसरों को। तो ये तरीका कैसे आपको लगा, वीडियो अच्छी लगी प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जिसमें तब तक ले जाए वंदे मातरम।